प्लांट लगाने की बात आती है तो लगभग हर गार्डन के अंदर आपको मोरपंखी, थूजा या फिर विद्या का प्लांट जो है दिखाई दे जाएगा। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और बात अगर ग्रीनरी ऐड करने के साथ साथ जो है पत्तियां भी इसकी बहुत ही खूबसूरत होती हैं, तो आपका ये पौधा जो है अपने आप में सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लगता है। तो आज की मेरी वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है, इसी प्लांट के ऊपर है, तो अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ की साथ ही मेरे दोस्त वो जो वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नीलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रो बैग में मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं मोरपंखी की। अब बारिशों का सीज़न है फ्रेंड्स, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। अगर टॉप की 5-6 इंच की आप कटिंग कट करके और नीचे से की लीव्स हटाकर स्टेम की, तो आप फंगीसाइड पाउडर लगाकर 50% गार्डन सोल और 50% आप लेते हो सैंड, तो उसमें अगर लगा देते हो, सेमी शेड में रख देते हो, तो आसानी से ये चल जाएगी। तो अगर आप इसे पानी में भी डाल के रख दोगे तो भी आपकी 1 मंथ में इसकी रूट्स आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बात करने वाली हूँ कि इस पौधे की हम बारिशों में कैसे केयर करें। कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा मोरपंखी का पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर रहा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये पौधा बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है। तो अगर आपको आपका पौधा बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करता है, तो उसके लिए मैं आज कुछ बताने जा रही हूँ आपको उपाय कि क्या करें कि इसकी ग्रोथ बढ़ जाए। तो जैसा कि अब मानसून का सीज़न है, पौधों की ग्रोथ का सीज़न है, अगर हम अपने पौधे को अच्छा सा खाना ना डालें तो ये बढ़ता नहीं है, तो हमारे पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाए। क्योंकि अगर हम प्लांट ग्राउंड में लगाते हैं तो कुछ खास केयर करने की हमारे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पौधा ज़मीन से ही मिनरल्स लेता रहता है। क्योंकि पॉट में वो सब पौधे को नहीं मिलते पोषक तत्व, इसलिए हम कुछ पौधे को खाना पानी डालेंगे। तो खाना पानी डालने के बाद हमारा पौधा अच्छे से ग्रीन हो जाएगा और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाएगा। अब इसका ग्रोइंग सीजन है, सर्दियों में ये डोरमेट हो जाएगा। तो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ इसी के को क्या खाना हमें अब देना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, इस पौधे पर हम प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पौधे की पत्तियां ब्राउन हो गई हैं तो आप हल्की प्रूनिंग कर दें, वरना इस पौधे को प्रूनिंग पसंद नहीं है। टाइम टू टाइम आप गुड़ाई करते रहें, और अगर अब अच्छी खाद डालेंगे तो इसके सीड्स जो हैं जल्दी ही पक जाएंगे। और आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे 15 दिनों में एक बार ज़रूर करें, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही कीट पतंगों का पौधों पर अटैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने साइडों में अच्छे से गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी निकालूंगी, क्योंकि मेरा पॉट जो है खाद देने के कारण जो है भरा पड़ा है, इसमें खाद भी देनी है मैंने, तो इसलिए मैं इसकी मिट्टी थोड़ी सी निकाल लूंगी। तो आप भी अपने पौधों में गुड़ाई अच्छे से 15 दिनों में एक बार करते रहें। जितनी भी वीड उग जाती है, घास उग जाती है, गुड़ाई करने का ये फ़ायदा होता है कि वो घास हम गुड़ाई करने से निकल जाती है, जड़ के सहित उस वीड को निकाल दें, नहीं तो वो वीड बार बार बढ़ती जाएगी, आपको परेशान करती जाएगी। और हमारे पौधे को हम जो खाना डालते हैं, सारा खाना वो वीड खींच लेती है, एनर्जी सारी वीड खींच लेती है और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, वो वीड बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो आप सब ने इस बात का ध्यान रखना है, पौधे में वीड उगने नहीं देनी, अगर उग जाती है तो जड़ के सहित उसे उखाड़ दें। देखिए, 1-1.5 इंच के करीब मैंने गुड़ाई कर ली है, और थोड़ी सी और गुड़ाई करके मैंने थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी यहीं पे पॉट में कर लूँगी,
क्योंकि खाद डालने के बाद हम इस मिट्टी में खाद को मिक्स करेंगे। अगर हम खाद के ऊपर मिट्टी नहीं डालते तो जो खाद में वर्मीज होते हैं उनको गर्मी लगती है और धूप के सेक से वो वर्मीज मर जाते हैं और उसका पोषक तत्व जो है खत्म हो जाता है। देखिए, मैं 2 मुट्ठी के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे गोबर खाद, बिल्कुल सड़ी हुई हो, या किचन वेस्ट कंपोस्ट या पत्तों की खाद भी ले सकते हो। और 1 चम्मच मैंने ले ली है यूज्ड की हुई चाय की पत्ती। तो इसका दूध चीनी निकाल के अच्छे से धो के सुखा के फिर आपने इसको यूज करना है। और 1 चम्मच के करीब मैंने ली है ये नीम की खली। इससे पौधे को किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि बारिशों में बहुत सी बीमारियां पौधों को लग जाती हैं और कई पौधे मर जाते हैं। जब हम पौधे की देख रेख नहीं करते बारिशों में तो पौधे हमारे मर भी जाते हैं। तो देखिए, बारिशों में खाना पौधे को जरूर दें, क्योंकि पौधा फिर ग्रोथ करता है। क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी होती है पॉट में, उसमें मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो अब मैं अच्छे से इस पौधे में दे रही हूँ पानी। देखिए, आपने इस तरह से खाना पानी डाल देना है और अच्छे से ऊपर से पानी डाल देना है। टाइम टू टाइम इस पे मिस्टिंग करते रहें ताकि हमारा पौधा हरा भरा बना रहे। खाद डालने का फायदा एक ये भी होगा फ्रेंड्स, जो हमारे पौधे पे बीज आए हुए हैं ये अच्छे से पक जाएंगे। अगर हम इसको खाना नहीं डालते तो बीज पकते नहीं हैं। जब बीज पक जाएंगे इनसे पौधा बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाता है और पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है अगर हम पौधे को अच्छा खाद पानी देते हैं। अगर खाद पानी नहीं देते तो पौधे की इम्यूनिटी कम हो जाती है और पौधा मर जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।